सब्सक्राइब करें टेक सर्वाइवल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के। तो दोस्तों मेरा नाम है अहसन अली और आप देख रहे हैं टेक सर्वाइवल। तो चलिए शुरू करते हैं। हे व्हाट्सअप गाइस, फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आज आपके साथ बात करने वाला हूँ रेडमी 5A डिवाइस के बारे में। फ्रेंड्स यहाँ पर हमें एक न्यू अपडेट देखने को मिली है जो कि ग्लोबल बीटा अपडेट है, जिसे के MIUI 10 जिसे 9.2.15 कहा गया है। तो यहाँ पर मैं आज आपके साथ यही सब कुछ बातें करने वाला हूँ डिटेल के साथ कि इसमें हमें क्या नए फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं इस अपडेट में, और उसके साथ फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो अपडेट है ये काफ़ी बेस्ट रहने वाली है हमारे लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपके सामने आज सभी कुछ ये शेयर करने वाला हूँ डिटेल के साथ। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। फ्रेंड्स अगर तो आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को तो लाइक कीजिएगा और उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स जो हमें पिछली अपडेट मिलने वाली थी वो मतलब कि हमें फ्राइडे नाइट को अपडेट देखने को मिलती है। आप सभी लोग जानते होंगे कि हमें हर फ्राइडे नाइट को अपडेट एक देखने को मिल जाती है, जबकि रैंडमली यूजर्स को शायद मिल जाती है और उसके बाद हमें देखने को मिल जाती है। तो फ्रेंड्स जहां पर हमें अपडेट फ्राइडे को नहीं देखने को मिली वो ये इनका इशू था कि मतलब हमारे लिए एक तो जो डेवलपर्स है वो काफी देर से आए थे जो कि हमारी हॉलीडे थी डेवलपर्स के लिए, तो उसके बाद चलो ये देर से आए हैं तो इसलिए जो अपडेट है कुछ इसमें मतलब कि एक तरह से लेट हो गई। तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं कि ये जो अपडेट है मतलब कि एक तरह से हमें फ्राइडे को मिलनी तो थी, इसका मेन वजह ये थी कि इसकी एक इशू निकल आई थी इस अपडेट में, मतलब कि हमें यही अपडेट मिलनी थी मगर ये इशू की वजह से सस्पेंड होगी, उसके बाद ये दोबारा से रोलिंग आउट होना स्टार्ट हुई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात कर लेते हैं कि रेडमी 5A डिवाइस में हमें कौन कौन से न्यू फीचर्स देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको सबसे पहले दिखाता चलूँ ये जो अपडेट है कि ये अपडेट हमारे लिए कैसी रहने वाली है। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता चलूँ ये जो अपडेट है 9.2.15 अपडेट है, ये हमें इसमें हमारे लिए ये जो अपडेट है ये हमें 1.4 GB तक की हमें ये देखने को मिल सकती है 9.2.15। और उसके बाद यहाँ पर जो हमारे चेंज लॉग के मुताबिक यहाँ पर ये बताया गया है कि ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस, इम्प्रूव्ड सिस्टम सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, बस यही दो राज बताए गए हैं इसके बारे में, मगर यहाँ पर जो रियल राज है वो नहीं बताया गया कि इसमें हमें क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर चलिए फिर बात कर लेते हैं इसके ही बारे में कि भाई हमें क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा MI ऐप के बारे में। फ्रेंड्स यहाँ पर हमें एक MI ऐप देखने को मिला है और जो कि कंपनी की तरफ से है, मतलब कि अगर तो आप भाई इसे डिलीट करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं आप इसे खुद से डिलीट नहीं कर सकते इस ऐप को, अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं मगर अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो आप इसे रूट कीजिए मोबाइल को, देन ही आप इसे कर सकते हैं डिलीट, अदरवाइज आप डिलीट नहीं कर सकते। अगर आप रूट कर लेंगे तो आप सिस्टम की कोई भी फाइल उठाकर अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको दिखाता चलूँ अगर MI के जो हमारे लिए मतलब के काफ़ी फ़ायदे हैं वो ये हैं कि हम यहाँ से अपना जो मतलब के एक तरह से MI पे की मदद से हम अपना बिल वगैरह या घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल या गैस बिल या कोई भी बिल है यहाँ पर हम अपना पे कर सकते हैं आसानी से। और यहाँ पर जस्टली आपको यहाँ पर साइन इन करना होगा, तो ये मतलब काफ़ी एक अच्छा सा मेथड है कि भाई घर बैठे ही सब सारे बिल पे हो जाएँ, तो और क्या चाहिए हमें। तो उसके साथ फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि हमें एक तरह से जो MI अकाउंट है उसका थोड़ा इंटरफेस सा हमें कुछ नया देखने को मिला है, मतलब कि यहाँ पर काफ़ी इंप्रूव्ड किए गए हैं एक तरह से। तो यहाँ पर ये जो मतलब कि इंटरफेस देखने को मिला है ये भी अपने आप में काफी बेस्ट है, तो उम्मीद है कि आपको भी ये जो इंटरफेस है ये पसंद आएगा। और उसके बाद फ्रेंड्स यहां पर लास्ट ऑफ ऑल मैं यहां से आपसे बात कर लेता हूं यहां पर एक न्यू फीचर के बारे में जो कि हमें यहां पर देखने को मिला है। हालांकि आप जानते होंगे कि हमें यहाँ पर अपडेट ऐप में बहुत ही कम फीचर्स देखने को मिलते हैं कई बार, मगर यहाँ पर शाओमी ने भी कमाल सा कर दिया है, हमें फीचर देने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो यूज़र्स हैं वो रोते हैं कि भाई मुझे अपडेट नहीं मिली, मेरा रैंडमली यूज़र्स में डिवाइस में था मगर मुझे नहीं पता लग सका। तो यहाँ पर काफ़ी मतलब के यूज़र्स जो हैं वो काफ़ी मतलब ऐसे करते हैं, तो यहाँ पर शाओमी ने इसका भी हल निकाल दिया है। यहाँ पर फ्रेंड्स हमें अदर में एक न्यू फीचर देखने को मिल गया है, जैसे कि हमें यहाँ पर एक फीचर देखने को मिलता था अदरवाइज के ऐड होम स्क्रीन शॉर्टकट, मतलब हम अपनी शॉर्टकट को कर सकते हैं ऐड स्क्रीन पर जहां से हम इसे डायरेक्ट ओपन कर सकें। तो फ्रेंड्स जहां पर इसे ये भी है हमारे पास, इसे भी आप अवेलेबल कर सकते हैं अगर आप अवेलेबल करना चाहते हैं। और अगर मैं आपके साथ बात करूं इसके ऊपर वाले फीचर के बारे में जैसे कि रिसीव अपडेट्स अर्ली कहा गया है, जहां पर फ्रेंड्स आप इस फीचर को यूज करके यहां पर नीचे बताया गया है यूज दिस फीचर टू रिसीव अपडेट्स अर्लियर देन अदर पीपल्स। वाओ ये तो कमाल है MI, शाओमी कह दूं मैं या रेडमी कह दूं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो रेडमी है उसने कमाल कर दिया है, शाओमी का तो अब नाम नहीं आता बीच में, तो यहाँ पर जो रेडमी है उसने कमाल कर दिया है अभी। अगर तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप अपडेट को इसे ऑन कर देते हैं तो आपको जैसे कि रैंडमली डिवाइसेज में आपका नाम आता है इस तरह आपका भी नाम रैंडमली डिवाइसेज में आ सकता है। तो फ्रेंड्स यही ये जो हमें फीचर देखने को मिले हैं यही मिले हैं, और इसके ज़्यादा हमें इसमें कोई भी नया कुछ देखने को नहीं मिला है इस